हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है और बच्चे बड़े सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए हमने ना 1 कप गेहूं का आटा लिया है, वही नॉर्मली गेहूं का आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। उसके साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो डो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब क्या करना है, इस डो को रख तो इस डो से ना एक एक टुकड़ा, मतलब डो का थोड़ा सा टुकड़ा लेना है और उसका एक लोई बना लेना है। लोई बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा आटा लगाकर एक पतली सी रोटी तैयार करना है बेल के। तो रोटी हमने तैयार कर लिया है, बिल्कुल ऐसी ही रोटी चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा, ना ही ज़्यादा मोटा, ना ही ज़्यादा पतला। अब क्या करना है, छोटी सी कटोरी लेना है और इसको ना ऐसे गोल गोल शेप में कट कर लेना है। तो सारे को हमने गोल गोल शेप में कट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा रोटी है ना उसे निकाल देंगे, दूसरी बार रोटी बनाने में यूज करेंगे। तो सारे हमने पूरी को ऐसे कट करके रेडी कर लिया। तो अब क्या करना है ना कि एक पूरी को लेना है और उसको ना 4 भागों में डिवाइड करना है, मतलब 4 टुकड़ों में कट करना है। पहले एस मतलब पहले बीच से काटना है, फिर साइड साइड से काटना है। काट तो उसे 4 टुकड़ों में कट कर लेना है और उसके बाद ना एक एक जो टुकड़ा कट किया था ना उसको ऐसे एक एक करके इसे सजा लेना है, एक के ऊपर एक ऐसे रखना है और सारे टुकड़ों के ऊपर एक एक करके इसे सजा लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल आप लोग भी ऐसे ही सजा लेना, एक के ऊपर एक रखना। तो सारे को मैंने ना एक के ऊपर एक रख के सजा लिया है। अब क्या करना है ना कि एक एक कॉर्नर से पकड़ना है और दबाते हुए इसे रोल करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे दबाते हुए रोल करें ताकि तो हमने इसे ना अच्छी तरह से रोल कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही रोल चाहिए। अब इसे क्या करना है, थोड़े हाथों से दबा के ऐसे रोल कर लेना है जबकि सारे पंखुड़ियाँ है ना एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो चिपकने के बाद उसके पास क्या करना है, एक चाकू लेना है और उसके बीच साइड से ऐसे कट कर देना है और कट करने के बाद थोड़ा उसे हाथों से घुमाना है और एक एक जो पंखुड़ी है ना उसे हाथों से ऐसे निकाल देना है। बहुत ही इजीली ये नाश्ता बन जाता है और बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है ये नाश्ता। तो एक को हमने ऐसे बना के रेडी कर लिया है। तो चलो हम दूसरी भी दिखा देते हैं, दूसरी भी कैसे बनाया जाता है। सेम वही प्रोसेस करना है, पंखुड़ी को ऐसे ऐसे करके निकाल देना है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दूसरे भी हमने बना कर रेडी कर लिया है। तो सारे को ऐसे ही बना कर रेडी कर लिया है। तो अब क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है और उसमें सारे नाश्ते को डाल देना है। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर उलट पुलट कर फिर 5 मिनट बाद इसे चेक करें तो ये थोड़ा पक गया है, तो थोड़ा और पकने देंगे। तो फिर इसे थोड़ा सा घुमाते हुए पका लें, तो बिल्कुल तो ये 5 मिनट बाद बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसे ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ठंडा हो रहा है ना। तो चलिए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें ना 1 चम्मच ऑयल डालना है, उसके साथ ही 1 चम्मच जीरा डालना है और जीरा को क्रैकल होने देना है, उसके साथ 1 चम्मच फाइन चॉप किया हुआ लहसुन, उसके साथ ही 1 चम्मच फाइन चॉप किया हुआ अदरक डालें, ऐसे थोड़ी देर फ्राई कर लें। तो थोड़ी फ्राई होने के बाद ना इसमें 1 छोटे साइज का ऑनियन लेना है, उसे चॉप कर लेना है, उसे पीस में डाल देना है और उसके साथ हरी मिर्च भी डालना है 1 से 2, उसे भी
चॉप करके डालना है और उसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लें। चलाते हुए तो ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका, तब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना तो थोड़ा सा हाफ कप के बराबर पानी डाल दें ताकि मसाले जले ना। और उसके बाद एक पैकेट हमने ना वो मैगी मसाला होता है ना वो लिया है और उसे भी इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लें। अब बेस चला लिया है तो अब क्या करना है, जो हमने बॉईल करके रखा था ना वो नाश्ता, अब उसको लेना है और वन बाय वन करके सारे नाश्ते को इसमें डाल देना है। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लें ताकि सारे मसाले ना नाश्ते में अच्छी तरह से कोट हो जाए, मतलब अच्छी तरह से। और उसके लास्ट में क्या करना है, स्वाद के अनुसार नमक डालना है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये रहा हमारा आटे का नाश्ता। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ना आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।